master of the mouse, he's the master of the game. He's the man, macho, macho man. व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज गाइस बालाजी, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वीडियो की शुरुआत में अभी आपने जिस बटरफ्लाई को देखा, तो आज का वीडियो बटरफ्लाई के ऊपर होने वाला है। और गाइस, इस बटरफ्लाई के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो वो ये है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो उसके अंदर इसे शेड्यूल 4 में प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि इस बटरफ्लाई को मारना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है गाइस। तो मुझे पता है कि आप में से 99% लोगों ने इस बटरफ्लाई को नहीं देखा होगा, तो गाइज ये सब दिखाने के लिए तो आपके भाई ने इस चैनल को स्टार्ट किया है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी कर देना गाइज। तो चलिए गाइज, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्क्रीन पर आप अभी जिस इंसेक्ट को देख रहे हैं उसे गौडी बैरोंग के नाम से पहचाना जाता है, और अभी आप जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक मेल गौडी बैरोंग है, और अभी मैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो एक फीमेल गौडी बैरोन हो। तो गाइस, गौडी बैरोन एक निम्पलाइट बटरफ्लाई है जो साउथ कैम्बोडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और हर बटरफ्लाई की तरह इसकी शुरुआत भी एग्स से होती है। तो गाइस, अभी आपको मैं स्क्रीन पे इसके एग्स दिखाऊंगा। तो गाइस, जैसे हर बटरफ्लाई के लार्वा होस्ट प्लांट्स फिक्स रहते हैं, यानी कि वो प्लांट्स होते हैं जिन पे बटरफ्लाई एग्स ले करते हैं और जिन पे उनका कैटरपिलर बड़ा होता है, तो वो कुछ गिने चुने प्लांट्स होते हैं। तो गाइस, वैसे ही गौडी बैरोन का जो है वो डेंड्रोफिथिया वाले प्लांट्स है जिन पे वो बटरफ्लाई एग्स ले करते हैं और उनके ऊपर उनका कैटरपिलर ग्रो करता है। तो अभी आपको स्क्रीन पर वो प्लांट्स दिख जाएंगे। तो गाइस, एग्स में से एक कैटरपिलर निकलता है जो कि बहुत छोटा होता है, और फिर वो कैटरपिलर अपने लार्वा होस्ट प्लांट्स पे फीड करते करते मैच्योर होने तक के लेवल तक पहुंच जाता है। तो गाइस, अभी आप देखेंगे कि किस तरह एक छोटा सा कैटरपिलर पूरा मैच्योर हो जाता है। तो गाइस, कैटरपिलर पूरा मैच्योर होने के बाद पूपा फॉर्म करता है, और फिर कुछ दिनों बाद उस पूपा में से एक ब्यूटीफुल सा गौडी बैरोन बटरफ्लाई फिर से बाहर निकल आता है, और ये साइकिल चलता ही रहता है गाइस। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने इस ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केड्यूल 4 के अंदर प्रोटेक्टेड किया गया है, यानी कि इसे संरक्षण दिया गया है। तो गाइस, इसे मारना कानूनन जुर्म है, और गाइस जुर्म की बात नहीं है, और गाइस ऐसे भी इसे मारना मतलब अच्छी बात तो नहीं है। बटरफ्लाई को लोग मारते हैं उनके विंग्स को अपने पास रखने के लिए, तो गाइस ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको अगर बटरफ्लाई के विंग्स चाहिए तो जो मरे हुए बटरफ्लाई है वो हमें कभी ना कभी मिल जाते हैं, तो उनके विंग्स आपको ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बटरफ्लाई को मारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है गाइस। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, और मैं आपका अपना वाइल्ड अजय फिर से आऊँगा ऐसी एक नई वाइल्ड लाइफ रिलेटेड वीडियो लेके नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन, लिव यंग, लिव फियरलेस एंड स्टे वाइल्ड गाइस। तो चलिए गाइस, बाय।